आप करते क्या? मजदूरी खेती करते हैं। अपना खेत? नहीं, वही भूमदान वाला। आप लोग किस समुदाय से? हम लोग हरिजन समुदाय के, अनुसूचित जाति के हैं। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत है वही, परमाना मिला लेकिन रसीद नहीं कटा, तो कैसे समझेंगे कि मेरा जमीन है? कितना लोगों को परमाना मिला होगा? परमाना 9 लोग को मिला है वहाँ पर, लेकिन एक का भी रसीद नहीं कटा आज तक। कब मिला था? वो मिला था 1970-72 में। आपको मिला था कि आपको लोग पिताजी को मिला था? नहीं, वो हमारे दादा को मिला था, सबको दादे के मिला है। अब तो 2-3 कुर्सी हो गया था, फिर भी नहीं कटा आज तक। ये परवाना कहाँ मिला था? ये परवाना गया मिला था, भुदान ऑफिस में। यहाँ पे कितना लोगों को भुदान जमीन मिला? 9। 9 लोगों को मिला, कितना जमीन होगा? 20 बीघा। आपको कितना जमीन मिला? 1.5 बीघा। ये कब मिला? 1952 में। कितना कितना जमीन सभी को मिला था? किसी को 2 बीघा है, किसी को 3 बीघा है, किसी को 2.5 बीघा, इसी तरह से सबको परमाना है। तो आप लोग रसीद कहाँ नहीं कट पाए? रसीद के लिए तो जाते हैं, लेकिन टाल बेटाल कर देता है तो कैसे कटे? कौन लोग टाल बेटाल करते हैं? कर्मचारी। आप लोग कितने बार गए? गए तो 3-4 बार। कर्मचारी आया तो घूसे अपना खोजता है कि उससे पारा नहीं लगेगा। कितना पैसा खोजता था? खोजता है तो अनर कैसी 10,000-20,000 खोजता है। बिना रसीद के खेत में उपजाऊ करने में क्या दिक्कत होता है? दिक्कत होता है कि ठीक है, जो पाता है सो जंगल झाड़ में खेती है। अब लगाने जाते हैं तो कहता है कि बोल तुमको है ये नहीं है। दिक्कत यही चरा देता है, बोली गर मजरुआ है, ऐसे है वैसे है, तो कितना लड़ाई हम कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि अमेठी गांव के ग्रामीणों को भुदान जमीन की रसीद जल्द से जल्द कटे और वहां के ग्रामीणों को समस्या का सामना न करना पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भुदान मंत्री गया का मोबाइल नंबर है 99-73-94-14-05 पर फ़ोन कर उन पर दबाव बनाएं और ग्रामीणों का सहयोग करें। मैं अमित कुमार गया, जिला बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।